हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल टेमिंग फिजिक्स। आज स्टूडेंट्स हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वन डायमेंशनल मोशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन में करना है, और उसी पे बेस्ड दो एप्लीकेशन करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम एंड रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट विद रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर्मूला हम ऑलरेडी करा चुके हैं आप लोगों को। एक थोड़ा सा समझाने के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन विद रेस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू, जहां पे v1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू ये भी अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं भी गिवन है तो हम इसको क्या मानेंगे भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे दिया हुआ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो इसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बोला, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि किसके रेस्पेक्ट में होगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 meter per second ड्यू ईस्ट। And a bird is moving with velocity 4 meter per second due north। Find out velocity of bird with respect to Ram, both in magnitude and direction। तो यहां स्टूडेंट दिया हुआ, एक कोई बच्चा है राम, वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 3 meter per second, और एक बर्ड है जो 4 meter per second से ड्यू नॉर्थ मूव कर रहा है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू राम, यानी राम को क्या वेलोसिटी दिखेगा बर्ड का, ये हमको बताना है, बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में जनरली उतना प्रॉब्लम नहीं होता बेटा, लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट करना ये एक थोड़ा सा मुश्किल चीज है। दूसरा, उस डायरेक्शन को लिखना, उसको इंग्लिश में जैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कभी भी प्रॉब्लम है, हम जो स्टार्ट करेंगे यहां से करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू राम। यानी पहले हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे बेटा, पहले उसका फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि स्कूल में ऐसे ही टीचर्स पढ़ाते हैं, या फिर बुक में पढ़ते हैं तो वहां पे फिगर भी है और सॉल्यूशन भी है, उनका निगाह पहले फिगर पे जाता है। हमको पहले फिगर नहीं ड्रॉ करना है, उससे सॉल्यूशन गलत होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ राम। भाई v1 टू इज इक्वल टू v1
माइनस वी टू, तो वन के जगह बर्ड आ गया, टू के जगह राम आ गया, तो यहाँ बर्ड वन के जगह बर्ड आ गया, टू के जगह राम आ गया। अब इसको हम यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगा, फोर जे कैप, सो इट इज फोर जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ राम, इट इज थ्री आई कैप। अब इसको पहले हम i कैप वाला टर्म लिखेंगे, देन j कैप, देन k कैप, यही कॉन्वेंशन है, यही तरीका है लिखने का, तो ऐसे हमने लिख लिया। अच्छा देखो, अगर यहां पे दिखा है तो ये ईस्ट में जा रहा है ऐसे और ये नॉर्थ में जा रहा है ऐसे। डायरेक्शंस कैसे क्या है यहां पे हम दिखा देते बेटा, दिस इज ईस्ट, this is north, this is west, this is south। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा आपके कॉपी के ऊपर, ये जो चार डायरेक्शन है ऐसे ही होंगे। इधर हमारा बिहार हो गया, ईस्ट में, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर हो गया, साउथ में कन्याकुमारी हो गया, वेस्ट में राजस्थान हो गया। अगर आपको इंडिया का मैप याद होगा तो इसी तरीके से सिचुएटेड है। सो अब इसके फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम है माइनस थ्री आई कैप, यानी वेस्ट डायरेक्शन में थ्री यूनिट, देन प्लस फोर जे कैप, इसमें फोर यूनिट एड करना है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, सो इट विल बी लाइक दिस। अब वीबीआर ये होगा, दिस इज वीबीआर, और यहां से इसका डायरेक्शन मिलेगा, इसको हम थीटा कह दें। So, हमको ये फाइंड आउट करना और ये फाइंड आउट करना है, तो वी बी आर मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। वी बी आर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू राम, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, तो बर्ड हमको इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कोई डायरेक्शन है, जबकि राम किधर जा रहा था, ईस्ट में, और बर्ड किधर जा रहा था, नॉर्थ में। लेकिन बर्ड राम को किधर जाते हुए दिखेगा, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं जाते हुए दिखेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम टैन थीटा निकालें, सो टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3, थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, 53 डिग्री। ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ बेटा और कई बार बोर्ड पे लिख चुके हैं, इसको कैसे निकालते हैं। सो अब इस आंसर को लिखा कैसे जाए, मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, तो हम यहां पे आंसर लिख रहे हैं, आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको याद रखिएगा, ये स्टूडेंट हमेशा इस चीज को कंफ्यूज करते हैं। देखो कैसे लिखा है भाई, 53 डिग्री किधर, नॉर्थ की तरफ, 53 डिग्री किधर है, नॉर्थ की तरफ, कहां से, वेस्ट से। तो जिस डायरेक्शन में एंगल जा रहा होगा उसको पहले लिखेंगे, और जिस डायरेक्शन से वो एंगल बन रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। दिस इज इंग्लिश फ्रेज, इसको ऐसे ही हम लिखते हैं, सो इट इज 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि राम तो इधर जा रहा था तो ये इधर कैसे आ गया,
भाई सिंपल ऐसे सोचो कि सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है और यहां पे एक लड़का है राम, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, राम इधर जा रहा है और ये बर्ड ही है, मान लो पॉइंट नहीं बर्ड है, और ये कहीं पे बैठी हुई है। तो राम जब इधर जाएगा तो इसको ये बर्ड किधर जाते हुए दिखेगी, इधर जाते हुए दिखेगी। राम जब इधर जा रहा है तो बर्ड इधर जाते हुए दिखेगी, ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना। ट्रेन से तुम आगे बढ़ते हो तो चीजें किधर जाते हुए प्रतीत होते हैं, पीछे, और ये खुद इधर जा रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से है। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, इसी आंसर को हम एक और तरीके से लिख सकते थे, हम नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल दिखा सकते थे उल्टा, क्योंकि तुम जब सॉल्व करोगे देखो ये इस तरीके से आया, कुछ स्टूडेंट यहां से एंगल निकाल सकते तो ये इस तरीके से आएगा, या फिर तुमने ऐसे सॉल्व किया और जो चार ऑप्शन कंपटीशन में दिए हुए उसमें से ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये वाला आंसर दिया हुआ, तो ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ये 53 डिग्री, तो ये कितना हो गया 37 डिग्री। किस तरफ भाई, वेस्ट की तरफ। 37 डिग्री किधर जा रहा, वेस्ट की तरफ, कहां से, ऑफ नॉर्थ। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है बेटा, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ एंड अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। फाइंड आउट स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिलिस्ट एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक एरोप्लेन है वो 8 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ जा रहा है, बहुत ही कम स्पीड हमने रखा बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल होगा। और एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट जा रहा। अब हमको बताना है कि मोटरसाइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में एरोप्लेन किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो स्टार्ट वैसे ही हम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिलिस्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। यानी पहले फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम ये फार्मूले ही लिखेंगे, देन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या, माइनस 8 j कैप, देन माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट माइनस 6 i कैप। सो इट इज इक्वल टू 6 i कैप माइनस 8 j कैप। अब इसका फिगर ड्रॉ करें तो 6 यूनिट
ईस्ट डायरेक्शन में और 8 यूनिट माइनस जे कैप डायरेक्शन में। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिलिस्ट और ये इसका डायरेक्शन हो गया भाई, दिस इज द डायरेक्शन, इसको थीटा सपोज कर लो। तो ये ईस्ट डायरेक्शन, यहां टेल पे देखे तो ये क्या हो गया भाई, ईस्ट डायरेक्शन हो गया और ये क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन हो गया। तो ईस्ट और साउथ के बीच में कहीं जाते हुए देखेगा। अब मैग्नीट्यूड हम निकाले, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिलिस्ट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा अंडर रूट 6² + 8² दैट इज 10 m/s और tan थीटा करें तो tan थीटा क्या आ गया 4/3। सो थीटा इज इक्वल टू 53 degrees। आंसर हम कैसे लिखेंगे इसका, 10 m/s 53 degrees south of east, east से south की तरफ 53 degrees है, तो 53 degrees south of east, so this will be answer। Next question करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, नोट डाउन करो, अ बॉल इज मूविंग, अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 17.32 m/s (30 degrees) north of east। And a man is moving with velocity 17.32 m/s 30 degrees north of east and a man is moving with velocity 5√3 m/s due east, 5 out velocity of ball with respect to man both in magnitude and direction। ये हमको फाइंड आउट करना है।
ये बॉल का वेलोसिटी दिया, ये मैन का वेलोसिटी दिया। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैन का वेलोसिटी के साथ तो आई कैप हो जाएगा, बॉल के वेलोसिटी को रिजॉल्व करना होगा बेटा, क्योंकि हमको आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखना है। सो इट इज, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते पहले। ये लिखा हुआ 17.32 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको हम 10√3 लिख सकते हैं भाई, जो रूट थ्री होता है 1.732 होता, तो इसको 10√3 लिख सकते हैं। और ये 30 डिग्री दिया हुआ, दिस इज 30 डिग्री। तो इधर का कंपोनेंट क्या हो गया भाई, कॉस 30 और कॉस 30 लेंगे बेटा, तो ये कितना हो गया 10√3 इंटू √3 बाई 2, ये हो गया। तो ये कितना आ गया 15, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी बेटा। वेलोसिटी ऑफ मैन हम 15 ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अब देखो बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो कंपटीशन में जब भी आते हैं बेटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे सेट करते हैं कि कैलकुलेशन इजी हो, तो हम कैलकुलेशन टफ नहीं देना चाहते, तो इसको कर लिया 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। चलो तो इसको रिजॉल्व कर लिया बेटा, तो ये इधर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, और इधर करेंगे तो 5√3 आ जाएगा साइन 30। ये हम किसको लिख रहे भाई, वेलोसिटी या बॉल को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल को क्या लिख सकते हैं बेटा, 15 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, देन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या, 15 आई कैप। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 5√3 जे कैप। अब देखें तो इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट हमारा आंसर ही आ गया, यानी क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो गया भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखे तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5√3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या आ गया बेटा ड्यू नॉर्थ। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 14.14 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट एंड श्याम इज मूविंग विद वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ. फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. राम का वेलोसिटी दिया 14.14 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट. ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा. साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो? साउथ और वेस्ट दोनों से 45 डिग्री. नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर नॉर्थ ईस्ट कह रहा और कोई एंगल नहीं दिया तो यानी नॉर्थ और ईस्ट दोनों से 45 डिग्री. देखो ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हुआ 45 डिग्री, दोनों से 45 डिग्री. साउथ ईस्ट का मतलब ये हुआ दोनों डायरेक्शन से 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगा उसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे. साउथ वेस्ट इज दिस वन, ये साउथ वेस्ट हो गया दोनों से 45 डिग्री. नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन हो गया वेस्ट से भी 45 और नॉर्थ से भी 45. तो वो साउथ वेस्ट कह रहा है. अब उसको यूनिट वेक्टर के टर्म में हमको लिखना होगा. भाई इसको तो हम माइनस जे कैप के टर्म में लिख देंगे लेकिन इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना होगा. तो यहां पे हम ड्रॉ कर ले बेटा, ये साउथ है और ये वेस्ट है. यानी इस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और ये 45 डिग्री है. अच्छा 14.14 का मतलब क्या हुआ? 10 रूट 2. भाई रूट 2 होता है 1.414, तो ये होगा 10 रूट 2. तो इसको रिजॉल्व कर ले. इसके कंपोनेंट्स क्या क्या बनेंगे बेटा? तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया 10 cos 45, सॉल्व करोगे यही आ जाएगा. और ये साइन 45, 10 साइन 45, ये 10 आ जाएगा. सो जो वेलोसिटी ऑफ राम है वो हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? माइनस 10 I कैप माइनस 10 J कैप. और वेलोसिटी ऑफ श्याम इसको क्या लिखेंगे भाई? 10 माइनस 10 J कैप. अब फॉर्मूला लगाते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ श्याम माइनस वेलोसिटी ऑफ राम इज इक्वल टू. सो वेलोसिटी ऑफ श्याम इज माइनस 10 जे कैप माइनस 10 जे कैप देन माइनस ब्रैकेट लगा दिया माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप. सो इट इज माइनस 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप. 10 जे कैप कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या भाई? 10 आई कैप. अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में मिल रहा है. 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम. क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा. आप एक और क्वेश्चन करते फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. इस रिलेटिव वेलोसिटी पे एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं.
और वो प्रॉब्लम है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ. वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी इज 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट. फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये दिया हुआ है, चार पार्टिकल ए बी सी डी, तो दिया हुआ ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और बी का सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या भाई 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, और सी का डी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट. हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ डी, पार्टिकल डी का वेलोसिटी निकालना किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे भाई, ये देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा, वी ए बी को क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी. सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 आई कैप. इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू 15 जे कैप. देन इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सी वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू माइनस 40 आई कर. हो गया भाई, अब इन सबको ऐड कर दे. हमको चाहिए क्या, वी डी माइनस वी ए चाहिए. वी डी ए का मतलब क्या हो, वी डी माइनस वी ए. इसलिए जो इक्वेशन हमने लिखा है तो दिख रहा है कि वी डी माइनस वी ए यहां से निकल सकता ऐड करने से, ऐड कर दिया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया. तो यहां पे आया बेटा वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू, यहां पे देखे तो ये आ गया बेटा माइनस 20 आई कैप, माइनस 20 आई कैप, देन प्लस 15 जे कैप. लेकिन हमको वी डी ए चाहिए, यानी वी डी माइनस वी ए चाहिए. तो वी डी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी ए क्या हो जाएगा भाई, ट्वेंटी आई कैप माइनस 15 जे कैप. सो अब हम इसको लिख सकते हैं वी डी ए, वी डी ए इज इक्वल टू 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप. सो इसके फिगर को ड्रॉ करें बेटा, तो ईस्ट डायरेक्शन में 20 यूनिट,
देन माइनस जे कैप साउथ डायरेक्शन में 15 यूनिट। तो जो वी डी ए होगा वो ये होगा, दिस विल बी वी डी ए, और ये इसका डायरेक्शन हो जाए थीटा। तो ये ईस्ट डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन, देखते क्या आता। सो पहले इस चीज को निकाले, वी डी ए क्या हुआ भाई, वी डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन के लिए टेन थीटा निकालने, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी जो थीटा हो गया बेटा वो 37 डिग्री हो गया। तो अब इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे, सो इट इज वी डी ए इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड कॉमा 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ईस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री है, सो दिस विल बी वी डी ए। तो ये हो गया बेटा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ प्रॉब्लम्स। अब आगे बढ़ते हैं, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पे आते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम क्या है पहले तो ये हमको समझना है। सो बेसिकली ये भी एक रिलेटिव वेलोसिटी का ही केस है, और उसको अप्रोच कैसे करेंगे ये चीज हमको फाइंड आउट करना। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम से ही लेते हैं बेटा और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ताकि आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो सपोज कर लो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे फॉल करना, और ये है वी आर, और एक मैन है जो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है भाई, जो रेन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फॉल कर रहा है, इट इज फॉलिंग लाइक दिस। और एक आदमी है वो क्या कर रहा है, he is running in this direction, इस direction में दौड़ रहा है with an umbrella in his hand, उसके हाथ में एक umbrella, so it is like this, इस तरीके से भाई umbrella, और आदमी दौड़ रहा है with velocity vm हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहां पे हमने ड्यू ईस्ट दिखाया हुआ। अच्छा अब अगर ये आदमी खड़ा है बेटा रेस्ट में है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो वो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेगा, वर्टिकली अपवर्ड जैसे अभी दिखाया हुआ। लेकिन अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा और आदमी इधर दौड़ रहा है, तो इस केस में अम्ब्रेला किधर होल्ड करेगा, वर्टिकली अपवर्ड ऐसे रखेगा या आगे की ओर थोड़ा सा टिल्ट करेगा या पीछे की ओर टिल्ट करेगा, वो हमको एंगल निकालना है। यानी यहाँ पे दो चीज करना है, हम निकालेंगे क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये फाइंड आउट कर लेंगे, और वहां से हमको डायरेक्शन पड़ जाएगा, पता चल जाएगा रेन का। तो जो डायरेक्शन रेन का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसके अगेंस्ट हम अम्ब्रेला को रखेंगे। रेन ऐसे फॉल कर रहा है, मान लो रेन ऐसे फॉल कर रहा है और ये अम्ब्रेला है, रेन ऐसे फॉल कर रहा है, तो हम ऐसे रखेंगे, उसके अगेंस्ट रख रहे हैं,
अब रेन मान लो ऐसे फॉल कर रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, तो हम थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड रखेंगे, तो हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला. अब हम आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखे, तो ये हमने मैन को लिया ड्यू ईस्ट, यानी वी एम आई कैप हो जाएगा. रेन का वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बेटा जनरली बुक में इसको माइनस जे कैप नोटेशन देते हैं, लेकिन हम वो नहीं देंगे क्योंकि माइनस जे कैप साउथ डायरेक्शन है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है. देखो ये बोर्ड टू डायमेंशनल बेटा, तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन भी इधर दिख रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन भी इधर दिख रहा है, लेकिन जब यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लिखेंगे बेटा, तो जो माइनस जे कैप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साउथ डायरेक्शन. वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, के कैप, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, माइनस के कैप. तो हम माइनस के कैप डायरेक्शन से इसको डिनोट करेंगे, यद्यपि जितने भी बुक्स हैं वो माइनस जे कैप ही इसको लिखा होगा, लेकिन वो एक गलत तरीका लिखने का, एग्जाम में कंफ्यूज करोगे आप लोग. तो यहां पे ये हो गया माइनस वी आर के कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रे यूनिट वेक्टर के टर्म में, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया माइनस के कैप डायरेक्शन, देन माइनस, ये तो फॉर्मूले में ही माइनस है. वीएम क्या है, वीएम आई कर, वीएम आई कर, ये हो गया बेटा. सो अब इस फिगर को अगर हम ड्रॉ करें तो पहले रीअरेंज कर लें, आई कैप को पहले लिख लें, सो माइनस वी एम आई कैप माइनस वी आर के कैप. अब इस फिगर को ड्रॉ करते बेटा, सो ड्रॉ करेंगे तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में कितना अमाउंट है वी एम, देन माइनस के कैप डायरेक्शन में वी आर, दिस इज वी आर, और ये हो गया वी आर एम, यानी मैन को रेन ऐसे फॉल करता हुआ दिखेगा. रेन जो वर्टिकली फॉल कर रहा है, जब मैन इधर जा रहा होगा तो रेन इधर फॉल करता हुआ दिखेगा बेटा, तो ये इस तरीके से रेन फॉल कर रहा होगा इस आदमी के लिए. ये ऐसे फॉल करता हुआ दिखेगा, तो अब वो अम्ब्रेला रखेगा कैसे, इसको आदमी को यहां पे बना रहे, ये अब अम्ब्रेला कैसे रखेगा बेटा, अब तुम लोग सोचो इसको कैसे उसको रखना चाहिए अम्ब्रेला को. ही इज रनिंग लाइक दिस, अब रेन अम्ब्रेला को वर्टिकल तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, अम्ब्रेला को रेन के अगेंस्ट रखेगा, तो रेन के अगेंस्ट यानी ऐसे रखेगा भाई, ये अम्ब्रेला है तो ये ऐसे टिल्ट करेगा, ये अम्ब्रेला का रॉड हो गया. अच्छा अब मैग्नीट्यूड हम निकालें तो क्या आया, वी आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर. ये आ गए. डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
जो अम्ब्रेला का डायरेक्शन बेटा हमेशा वर्टिकल के साथ निकालते हैं, तो ये हमको एंगल निकालना है, इसको फाइंड आउट करना, ये थीटा। तो वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला का रॉड कितना एंगल बना रहा है, अगर ये हम देखें बेटा तो अम्ब्रेला का रॉड और रेल के मोशन का डायरेक्शन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है ये इधर है, यानी ये और ये पैरेलल है और ये वर्टिकल लाइन है। तो यहां से वर्टिकल ड्रॉ कर दें तो रेल का ये डायरेक्शन है, अगर हमने इसको थीटा माना तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये लाइन आपस में पैरेलल और ये रॉड और ये रेल का डायरेक्शन आपस में पैरेलल, ये थीटा, तो ये थीटा होगा। तो इस थीटा को हम निकाल सकते हैं टैन थीटा से। टैन थीटा क्या होगा भाई, टैन थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर। भाई अगर इसको हम थीटा एंगल लेंगे बेटा तो ये बेस हो गया और ये परपेंड हो गया, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन वी आर। सो ये रेन का मैग्नीट्यूड हो गया, रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया विद रेस्पेक्ट टू मैन, और ये अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, यहां से आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा ये दे रहा है। तो ये कुछ ऐसा वैल्यू दिया होगा कि सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इसको हम टैन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमेशा याद रखो बेटा, अब इस चीज को फील कर रहे होगे तुम लोग कि अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा हूं, मैं इधर जा रहा तो रेन स्लाइटली टिल्टेड ऐसे फॉल करता हुआ दिखेगा, तो वर्टिकल से जो थीटा एंगल होगा वो किधर होगा, मैं जिधर जा रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो थीटा लेंगे। सो दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। तो इसी टाइप से हम हर प्रॉब्लम को करेंगे, यानी रेन अम्ब्रेला का प्रॉब्लम इस तरीके से एनालाइज करेंगे। ये हमने थियरी बता दी हुई, अब न्यूमेरिकल स्पेस के आते हैं। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला नहीं हम यूज करने जा रहे, हम तो एकदम पूरा जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे। सो द क्वेश्चन इज रेल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी 8 meters per second and a man is running towards west with velocity, a man is running towards west with velocity 6 meters per second. Find out velocity of rain with respect to man and at what angle he should hold the umbrella, at what angle he should hold the umbrella। किसके साथ एंगल, किसके साथ बेटा, नहीं दिया तो हम हमेशा वर्टिकल के साथ निकालेंगे, अंडरस्टूड है। सो हम क्या करें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या भाई, माइनस 8 के कैप, देन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, माइनस 6
आई कैप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया, इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 8 के कैप। अब इसको हम ड्रॉ कर ले बेटा, तो 6 यूनिट किधर है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में, और 8 यूनिट किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन नहीं बेटा इस केस में, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन 8 यूनिट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हुआ, ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी रेन ऐसे फॉल करता है, रेन जो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, अगर आदमी इधर जा रहा तो रेन ऐसे फॉल करता हुआ दिखेगा, तो रेन का जो डायरेक्शन बेसिकली ऐसा दिखेगा बेटा, रेन ऐसे फॉल करता हुआ दिखेगा। अच्छा, अब रेन ऐसे फॉल करता हुआ दिख रहा, तो अब हम देखें उसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए, तो अम्ब्रेला इसी के अगेंस्ट रखेंगे इस तरीके से, और उसका रॉड इस तरीके से होगा, यानी हमको वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला कितना एंगल बना रहा है, अम्ब्रेला का रॉड ये निकालना थीटा, ये एंगल निकालना है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये जो अम्ब्रेला का रॉड है और ये रेन का वेलोसिटी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये एंगल थीटा ले रहा है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, यानी रेन वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला हमको फाइंड आउट करना, अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा। तो पहले तो ये निकाले क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक भाई, और tan थीटा यहां हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड थर्टी सेवन डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। 37 डिग्री किधर भाई, ईस्ट की तरफ है, ये देखो बेटा ये यहां पे दिख रहा होगा, 37 डिग्री किधर, ईस्ट की तरफ, किससे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा पार्ट हमने पूछा था अम्ब्रेला को कितने एंगल पे होल्ड करना चाहिए, सो ये आंसर आ जाएगा 37 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना चाहिए, 37 डिग्री, ये 37 ही आएगा ना, किधर, वेस्ट की तरफ, ये देखो डायरेक्शन वेस्ट की तरफ, किससे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से, सो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते बेटा, और फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, आज का लेक्चर एंड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी
14.14 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रेंज जो फॉलो कर रहा बेटा 14.14 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में किससे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री पे फॉल कर रहा है एंड अ मैन इज रनिंग ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन magnitude and direction of velocity of rain with respect to man. Second question, direction in which he should hold the umbrella. Umbrella को किस direction में hold करना चाहिए या फिर ऐसे भी कह सकता है angle of rod of umbrella with vertical. वर्टिकल से रॉड ऑफ अम्ब्रेला का क्या एंगल होगा सो करते हैं अब देखो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ बेटा वो टिल्टेड है सर्टेन एंगल बना रहा है ना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना तो ईस्ट डायरेक्शन में उस प्लेन में लाई कर रहा है यानी इसको हमको रिजॉल्व करना होगा सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई ये वाला कंपोनेंट ये कंपोनेंट कॉस हो जाएगा इसको हम 10√2 लिख सकते हैं पीछे भी अभी डिस्कस किया था 10√2 तो ये हो गया 10√2 कॉस 45 यानी 10 और ये हो गया 10√2 कॉस 45 यानी 10 तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया बेटा 10i cap − 10k cap और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया 10i cap ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन और इसको माइनस कर लो बेटा तो ये क्या आ गया −10k cap तो अब इसको हम लिखे तो आंसर क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना है बेटा तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो गया −k cap यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन क्या हो गया बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना होगा तो ऑब्वियसली जब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा तो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन यानी जो थीटा होगा वो जीरो हो जाएगा थीटा विल बिकम जीरो So this is the answer. ये इसका आंसर हो गया अब एक लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा फिर क्लास को एंड कर देते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन इज व्हेन अ मैन is moving problem here question
when a man is moving with velocity eight meter per second due east, rain appears to fall. Rain appears to fall in vertically downward direction. Vertically downward direction. Next sentence. When he doubles his speed, rain appears to fall. Rain appears to fall at 45 degrees with vertical. Find velocity of rain. ये क्वेश्चन करा कि एक मैन है जो 8 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट में जा रहा, तो रेन अपीयर्स टू फॉल इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी यहां पे जो रेन का वेलोसिटी दिया बेटा एपरेंट वेलोसिटी दिया, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है. रेन अपीयर्स टू फॉल यानी ये क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन दिया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब कह रहा व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, किस डायरेक्शन में नहीं दिया है, यानी अंडरस्टूड है कि सेम डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में स्पीड डबल कर दिया. कितना कर दिया, 16 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. आगे क्या करा, रेन अपीयर्स टू फॉल एट 45 डिग्री विद वर्टिकल. जब ये डबल कर देता तो रेन अब किस डायरेक्शन में फॉल करता हुआ दिख रहा, 45 डिग्री विद वर्टिकल. रेन का मैग्नीट्यूड कहीं नहीं दिया, दोनों केस में डायरेक्शन दिया. करा फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इसको हम नीट के लिए बहुत टफ क्वेश्चन मानेंगे, मेंस के लिए एवरेज क्वेश्चन है, एडवांस्ड के लिए इजी क्वेश्चन में हम इसको काउंट करेंगे. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो करा कि व्हेन अ मैन इज मूविंग with velocity 8 meter per second due east, rain appears to fall. ये हमको ऐसे दिया हुआ, हमको रेन का एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है. फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, तो रेन का वेलोसिटी हम सपोज कर लेते बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो हमको निकालना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स आई कैप माइनस वाई के कैप. रेन के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा बेटा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल.
अच्छा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस के कैप लिखा। मैग्नीट्यूड वर्टिकल कंपोनेंट का हमने वाई मान लिया। अब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने आई कैप के डायरेक्शन में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ये दिया हुआ, इसलिए हमने इसको आई कैप डायरेक्शन में लिया बेटा। मैग्नीट्यूड एक्स ले लिया। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये हमने माना एक्स आई कैप माइनस वाई के कैप, देन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या बेटा एट आई कैप, एट आई कैप। तो ये हो गया एक्स माइनस एट आई कैप माइनस वाई के कैप। ये इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं बेटा, अल्टीमेटली हमको यही निकालना। तो अब इस चीज को ध्यान से देखो भाई, वी आर एम जो पहला सेंटेंस दिया उसको हमने सॉल्व कर लिया यहां तक। तो कह रहा कि जब 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, रेन अपीयर्स टू फॉल इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी केवल यही चीज है। ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो जाए जीरो हो जाए, क्योंकि ये दिया क्या हुआ है कि रेन किधर फॉल कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कब होगा, जब ये पार्ट जीरो हो जाए। तो यहां से क्या आ गया, जो एक्स कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा बेटा जीरो होगा, तभी वो वर्टिकली फॉल करता हुआ दिखेगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो है क्या एक्स माइनस एट, तो ये क्या हो गया यहां से इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू एट ये आ गया। अब एक्स इक्वल टू एट आ गया तो कम से कम इक्वेशन नंबर वन से ये तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू एट आई कैप माइनस वाई के कैप। अब ये वाई निकल जाए तो काम हमारा बन जाए, फिर आंसर आ जाएगा। तो वाई निकालने के लिए बेटा आगे ये दिया, व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, जब स्पीड डबल कर दिया उसके लिए फिर करते हैं, तो रेन अपीयर्स टू फॉल 45 डिग्री विद वर्टिकल, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमने ये निकाला इक्वेशन नंबर टू से, एट आई कैप, एट आई कैप माइनस वाई के कैप, और ये हो जाएगा माइनस डबल्स स्पीड, पहले एट था अब 16 हो गया, 16 आई कैप। सो ये कितना हो गया बेटा माइनस एट आई कैप माइनस वाई के कैप। अब इसका फिगर हम ड्रॉ कर ले तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में 8 यूनिट, और ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना जो सेकेंड पार्ट करा उसका, और वाई यूनिट माइनस के कैप डायरेक्शन में। सो ये हो गया बेटा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का ये डायरेक्शन हो गया, और ये कह रहा 45 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे बेटा
45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया है और ये 45 दिया, तो ये भी क्या होगा 45 होगा और ये 45 होगा, तो tan 45 इज इक्वल टू, यहां से देखें तो 8 बाई कितना हो गया y बाई 8, tan 45 बेटा y बाई 8, और tan 45 होता क्या बेटा 1 होता है, सो y इज इक्वल टू 8। अब y इज इक्वल टू 8 आ गया, तो अब यहां से निकल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन यार, विद रिस्पेक्ट टू मैथ थोड़ी है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 8 आई कैप माइनस 8 के कैप, ये हो गया। पूछा क्या था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, सो दिस इज द आंसर। अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना बेटा, तो उसको हम निकाल सकते हैं, उसको यहां दिखा दे रहे हैं, कहां यहीं दिखा देते हैं फिगर ड्रॉ करके। सो ये हो गया 8 यूनिट आई कैप डायरेक्शन में और 8 यूनिट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन इस डायरेक्शन में फॉल करता हुआ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा यही होगा, इस डायरेक्शन में रेन फॉल कर रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्चुअल वेलोसिटी ये क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू 8√2 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल कितना होगा भाई, 45 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल वर्टिकल के साथ 45 डिग्री होगा, और रेन का एंगल जनरली वर्टिकल के साथ देते हैं, तो 45 डिग्री ईस्ट, किधर है भाई, ईस्ट के तरफ ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री, 8√2 मीटर पर सेकेंड। सो ये इसका आंसर हो गया बेटा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। सो जितने भी क्वेश्चन हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कराए हैं, इनको फिर से आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस कम से कम 2 बार इसको करिए, क्योंकि ये एक कठिन टॉपिक बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। एक टॉपिक हमारा रह गया रिवर बोट प्रॉब्लम, दैट वी विल डू ऑन नेक्स्ट टर्न, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, स्टे हैप्पी, सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।